उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से अक्सर बाघों के रिहायशी बस्ती में घुसने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ताजा वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उससे ऐसा लगता है मानो लोगों के दिलों से बाघ का डर ही निकल गया और भीड़ उसे लेकर सहज भी नजर आने लगी है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक बाघिन छत और दीवार पर घूम घूम कर पोज देती नजर आ रही है और चारों तरफ मौजूद भीड़ लगातार अपने मोबाइल कैमरों के जरिए उसे वीडियो की शक्ल में कैद करने पर आमादा है। छतों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा है। लोगों का कहना है कि बाघिन करीब 6-7 घंटे तक रिहायशी इलाके में यूं ही घूमती रही और लोग अलग अलग एंगल से उसका वीडियो बनाते रहे। किसी को इस बात का डर नहीं था कि बाघिन हमला भी बोल सकती है। ये घटना देर रात पीलीभीत के कलीनगर तहसील क्षेत्र के अटकोना में हुई। लोगों की जब बाघिन पर नजर पड़ी तो एक बार तो सबके होश उड़ गए। रात करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त था। बाघिन की सूचना जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोग सतर्क हो गए। इस बीच किसी ने वन विभाग को सूचना दे दी। इसके साथ ही रस्सी, तार और एक तरह के जाल से बाघिन जिस एरिया में मौजूद थी उसे सील कर दिया गया। बाघिन गुरुद्वारे के बगल में सुरेंद्र सिंह के आवास के पास घंटों डेरा जमाए रही। सुरेंद्र सिंह के बेटे सुखप्रीत रात में किसी वक्त जागे थे और उन्होंने ही सबसे पहले बाघिन को देखा था। गांव में खबर फैली तो वहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई और फिर जैसे तमाशा ही लग गया। इस बीच जंगल विभाग के उच्च अधिकारियों की इजाजत लेकर रेस्क्यू टीम ने बाघिन को ट्रैंक्विलाइज किया और उसे वापस ले जाकर जंगल में छोड़ा। लेकिन इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है। लोग जिस तरह से बाघिन दीवार पर आराम फरमाती नजर आ रही है उसके स्वभाव और साथ ही लोगों के व्यवहार को बहुत ही देखकर अचंभित है। स्वभाव के विपरीत बाघिन बिल्कुल आक्रामक नहीं थी और लोग भी बेधड़क बिना डरे चारों तरफ खड़े होकर उसका वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। देखो भैया, देखो।